बुलाया है। बस 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 कॉपीराइट आ जाएगा गाइस। चले जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको प्रेजेंटेबल लगना है जब आपको कोई देखने आए, रिश्ता वगैरह। ये मोमेंट वैसे हर किसी लड़की की ज़िंदगी में आता ही है। यहाँ पे मेरा ब्लेंडर गुम हो गया रिश्ता आने से पहले ही। अभी तो मैं धो के लाई थी, पता नहीं कहाँ चला गया। खैर, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी प्यारी सी निमरा शेख, और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निमरा के साथ मैं आपको कहती हूँ खुश आमदीद। रिश्ता आने से पहले आपने सबसे पहला काम करना है अपने लिए दुआएँ, ढेरों दुआएँ करनी है। दोनों फल इस्तखारे के पढ़ने हैं और दुआ करनी कि जो आ रहे हैं आपके हक़ में बेहतर हों और ढेरों खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लाने का बाइस बने। तो दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने अपनी स्किन केयर जो है उस वो करनी है। चाहे तो आप घर में कोई अच्छा सा टोटका जो आप करती आती हैं वो कर लें, या फिर आप फेशियल करवा लें ताकि आपकी स्किन ग्लो करे। वरना रिश्ते वालों ने कहना कुड़ी ने कुछ खाने नहीं देंगे, अदे मुँह तो रंग रूप पहले ही नहीं है, तो बाद जो हमें क्या ही हमारी खिदमत करेगी। तो इसलिए फिर आपने ना अपना चेहरा थोड़ा चमकाना है, मेकअप जितना हो सकता है आपने कम करना है, मिनिमम करना है, ताकि आपकी नेचुरल लुक लगे। और लेंजेस कोशिश करनी है कि ना लगाएं, क्योंकि बाद में ये इशू ना बना लें कि हमने तो कलर आइज़ वाली लड़की देखी थी, अब तो इसकी आँखें ब्लैक हैं, तो हमें तो वही लड़की चाहिए जिसकी कलर आइज़ थी। अच्छा जी, अब ये है कि मेकअप मैं कर रही हूँ, मैंने मिस रोज़ के यहाँ पर फाउंडेशन लगाई है, मैट में आई है। इसको मैं गीले ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से जो है ना वो अब्जॉर्ब कर लूँगी अपनी स्किन पर, ताकि बिल्कुल जो है मेरे डार्क सर्कल्स वगैरह छुप जाएं। ये बस इतनी सी फाउंडेशन लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी जो स्किन है वो परफेक्ट नहीं होती। तो इस तरह से दाग धब्बे निशान दानों के डार्क सर्कल्स होते ही हैं थोड़े बहुत, तो उसको थोड़ा सा हाइड करना ही होता है। लड़कियों ने इतना भी नहीं है कि अब बंदा मुंह धुलावा ही लेके बैठ जाए रिश्ते वालों के सामने, तो ऐसे भी नहीं करना, थोड़ा बहुत मेकअप करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप हो, कन्फ्यूज़ आपने बिल्कुल नहीं होना। दूसरा काम ये करना है कि आपने दांतों को मेकअप करने से पहले अच्छी तरह से ब्रश कर लेना है, ताकि आपके पास बैठ के आप कोई भी बात करें तो जो है ना वो आपके मुंह से अच्छी ही स्मेल आए, बस वो वाली बुरी स्मेल ना आए। और दूसरा ये कि मुख्तसर बात करनी है, जो वो पूछें बस ठीक है हाँ हूँ मैं थोड़ा सा जवाब दे देना है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे वो ज़्यादा यही पूछते हैं जो रिश्ते वाले आते हैं कि खाना बनाना आता है, तो फिर कह देना हाँ जी आता है समोसे शमोसे, या कुछ अपने से छोड़ देना, नहीं आता होगा तो कह देना नहीं आता, या कह देना कि मैं सीख रही हूँ मेरी भाभियों के साथ, मतलब कुछ भी जो भी अच्छा लगे। वैसे ये बात तो सच है कि शादी है एक जुआ, चल जाए तो चल जाए, कामयाब हो जाती है, ना चले तो बस नाकाम हो जाता है बंदा जी। तो मेरी प्यारी 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 बहनों, फिर आपने क्या करना है कि आपने कोई अच्छा सा प्यारा सा परफ्यूम लेना है, वो अच्छी तरह से अपने ऊपर छिड़काव कर लेना है उसका, ताकि जो आने वाले मेहमान हैं उनको आपसे बहुत अच्छी खुशबू आए। मेकअप जितना ज़्यादा कम करेंगे ना उतनी आप मासूम नज़र आएंगी, क्योंकि मेकअप से इंसान जो है ना, जो लड़कियां हैं वो थोड़ा एज से ज़्यादा लगती हैं और थोड़ी शार्प लुक आती है। तो इसलिए आपने अगर मासूम दिखना चाहती हैं तो आपने मेकअप का इस्तेमाल कम करना है। यहाँ मैंने सिर्फ 3-4 चीज़ों का ही यूज़ किया है, मस्कारा, फाउंडेशन और टिंट लगाया है वो ही मैंने, और एक थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा लिया। तो यही 3-4 चीज़ों का आपने यूज़ करना है। और बाल आपके अच्छे से बने होने चाहिए, अगर आपके स्ट्रेट बाल हैं तो आप खोल लें, वैसे खुले हुए बाल बहुत प्यारे लगते हैं। आप जहाँ भी जाना हो आपके बाल स्ट्रेट हों, सिल्की हों, शाइनी हों और आपने खोले हों, तो मेकअप भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बालों से आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना वो किसी चीज़ से नहीं होती। खैर, मेरे जैसे अगर बाल हैं थोड़े से रफ़ हैं तो फिर इनको आपने संवारना पड़ेगा, स्ट्रेट वगैरह कर लें, पोनी बना लें। तो जो जैसे आपको सूट करती है ना, आपको पता होगा अपने बारे में ज़्यादा बेहतर, तो उस तरह से कर लें। यहाँ पे मैं लिप्स पे लगा रही हूँ टिंट। प्यारा सा अपना ड्रेस कोई पहनना आपने जिसका बहुत खिला हुआ कलर हो, क्योंकि ब्राइट कलर ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी पे अच्छे लगते हैं। लाइट कलर में बंदा ना थोड़ा डल डल लगता है, वो वाली अच्छी लुक नहीं आती। तो इसलिए कोशिश करेंगे थोड़े से जो है ना वो मतलब ब्राइटर कलर हों, शोक शोक कलर हों, लाइट में भी शोक कलर होते हैं, तो ऐसा कलर पहने कि जिससे आप खिल जाएं। बाकी इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो नसीब का खेल होता है, जो नसीब में लिखा हो वो होके रहना होता है। जिसने पसंद करना है वो उसने तो ऐसे भी कर लेना, चाहे आप मड़ी हुई हालत में हो, तो ये बस नसीब का खेल होता है। वो मुझे एक बात याद आ गई कि बहुत बहुत खूबसूरत शहजादियाँ जो हैं वो मैंने धक्के खाती देखी हैं, और बहुत जो मतलब इतनी प्यारी भी नहीं होती उनको महलों में राज करते देखा है। तो ये सारे नसीब के मामलात होते हैं, अल्लाह पाक हर बेटी के हर बच्ची के नसीब अच्छे करे, सबको अपने अपने घरों में अपने अपने ससुराल में खुश रखें,
क्योंकि शादी के बाद जो है ना एक हस्बैंड का ही सहारा होता है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ अगर वो ठीक मिल गया तो चलो जी लाइफ सेट हो गई, अगर वही ठीक ना मिला तो फिर बस आप ख्वार हैं, फिर ना आप पिछले जोगे तो ना आगे जोगे। बस इसी चीज़ से डर लगता है यार कि बस मतलब कुछ होते हैं सपोर्ट करते भी हैं, लेकिन यह है कि बंदा रुल जाता है, फिर बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं रहती कि अगर इस तरह से बंदे की शादी ख़राब हो जाए तो। खैर अल्लाह पाक बेहतर ही करें सबके हक में, बड़ा डर लगता है इन कामों से इन चीज़ों से। ठीक है जी, टेंट मैंने लगा लिया है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मैट में ही लिप ग्लोज, मेरे पास पड़ा हुआ है वही लाइट से कलर का, डार्क डार्क मेकअप नहीं करना, लाइट लाइट मेकअप करना है। सारा मेकअप करने के बाद एंड पे मैंने लगाया थोड़ा सा फेस पाउडर, वैसे ये है कि डार्क सर्कल्स पे थोड़ा थोड़ा कंसीलर भी लगा लें तो जो है वो फिर आपकी आंखें थोड़ी प्यारी लगेंगी, ग्लोई ग्लोई। और हाँ, जब पहली बार आए रिश्ता देखने के लिए तो ज़्यादा देर कोशिश करें कि ना बैठें, बस मुख्तसर सा बैठें और झलक दिखला के अपनी आ जाएं। बाकी ये है कि फिर अगर दूसरी तीसरी बार आएँ तो फिर बंदा जो है वो ज़्यादा देर बैठता है, जानता है एक दूसरे को, बातें शातें करता है, और पहली बार में ही रिश्ता नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सारे चक्कर एक दूसरे को घर लगाने चाहिए, आना जाना चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी का वाह होता है तो राह प्या जाने तो वाह प्या जाने, तो इसलिए ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, जज्बाती मामलात नहीं होते, ये बड़े तसल्ली से करने वाले होते हैं। तो दो चार बार आप उनके घर जाएं, दो चार बार वो आप लोगों के घर आएं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के लोग हैं। ये सारे चौंचले जो है ना अरेंज मैरिज में ही होते हैं, वैसे लव मैरिज का कितना फ़ायदा, सारा कुछ पक्का ही होता है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। फिर चाहे आपकी शक्ल जैसी भी है, फिर आपके हालात जैसे भी हैं, तो बस आपका आपस में दिल मिला होता है, आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, तो फिर इस तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, हाँ हो जाती है, बात पक्की हो जाती है, शादी हो जाती है। तो गाइज़ ये हो गया मेरा मेकअप कम्प्लीट, आप लोग मुझे बताएँ कि मैंने कैसा मेकअप किया है, रिश्ता मेकअप था आज का ट्यूटोरियल। तो बाकी है कि अब मैं अगला, मेरे जहन में आया कि बात पक्की वाला मेकअप ना कर लें। कितना प्यारा हसीन मौसम है आज, यहाँ पे मैं रिश्ता मेकअप करके आ गई हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। ब्लॉग मैंने सारा दिन कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो यही सही मौसम, मैं आपको चेक कराती हूँ गाइस। ओह माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह, व्हाट अ हसीन वेदर। तो गाइज़ यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।